हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बबल चॉकलेट केक, और वो भी बिना बेकिंग के। तो इसको देखने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमने 4 स्लाइस ब्रेड के लिए हैं, ये ब्राउन ब्रेड है, और ये एक पैकेट चॉकलेट बिस्किट का लिया है, ये बड़ा वाला पैकेट है। आप कोई भी चॉकलेट बिस्किट ले सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, लेकिन बनने के बाद आपको नहीं पता चलेगा कि ये आपने इतनी इजीली बना लिया। तो चलिए सबसे पहले ये बिस्किट को हम तोड़कर मिक्सी के एक जार में डालेंगे और इसको बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेंगे। ये देखिए, अब एक बाउल में इसको हम निकाल लेते हैं। और अब हम इसी में ये ब्रेड के स्लाइसेस भी तोड़ के डाल देंगे और इसको भी बारीक पीस लेंगे। इसकी हमने किनारे भी कट नहीं किए हैं, ऐसे ही हम पूरी डाल देंगे इसमें। ये देखिए, ये बिल्कुल अच्छे बारीक एकदम पिस गया है। इसको भी इसी में डाल लेंगे। और इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ये मेल्ट किया हुआ बटर डालते हैं और इसको अच्छे से अपने हाथों से मिक्स करेंगे। इसको एक बाइंडिंग अच्छे से होनी चाहिए इसकी। इसमें हम इतना बटर डालेंगे। अभी हमने 2 चम्मच डाला है, अभी हमें ज़रूरत लगी तो 1 चम्मच और इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए, ये अच्छे से बाइंड हो रहा है। अब हम इसमें 1 चम्मच और डाल देते हैं बटर। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसके छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे। हाथों में इसको थोड़ा थोड़ा सब मिक्सचर लेकर अच्छे से प्रेस करके इसको कुछ छोटी कुछ बड़ी बॉल का शेप देकर इनको रेडी कर लेंगे। ये देखिए, इसी तरह हम सारे बना लेंगे। सब सेम साइज़ की नहीं बनानी है, छोटी बड़ी होनी चाहिए। ये हमने सारी बॉल्स बना ली हैं। एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अब हम चॉकलेट मेल्ट करेंगे। ये हमने बॉईल किया हुआ पानी लिया है, अच्छे से बहुत गर्म हो चुका है। इस पर हम अपनी चॉकलेट रख देंगे। ये डार्क चॉकलेट ली है हमने, 100 ग्राम चॉकलेट है ये। इसको ऐसे ही चलाते हुए मेल्ट कर लेंगे। चॉकलेट हमारी मेल्ट हो रही है। ये देखिए, चॉकलेट मेल्ट हो गई। अभी इसको और आधा मिनट मिला रखेंगे इसी पर पानी पे, और मेल्ट हो जाएगी। अब हम एक ट्रे लेते हैं और उस पर ये एल्युमिनियम फॉइल रख देंगे। अगर आपके पास ये ना हो तो आप कोई भी पॉली बैग अच्छे से साफ़ करके ले सकते हैं, और उस पर ये हम चॉकलेट फैलाएंगे। इस पर रेक्टेंगल का शेप देंगे ऐसे। इस तरह से स्पून की हेल्प से बराबर करके इसको
अच्छे से, एक जैसे चॉकलेट बार बनती है पूरी उस तरह से फैला लेंगे। तो ये हमने अच्छे से फैला लिया। अब हम इस पे ये अपनी बॉल्स अरेंज करेंगे, एक छोटी एक बड़ी करके इस तरह से लगाते जाएंगे। ये हमने सारी बॉल्स इस पे अरेंज कर ली है। अब इसके ऊपर हम ये मेल्टेड चॉकलेट अच्छे से फैला देंगे और सारी बॉल्स को इस चॉकलेट से कवर कर देंगे। इस पे खूब मोटी कोटिंग होनी चाहिए। ये हमने चॉकलेट इस पे पूरी अच्छे से फैला दी है। अब जो साइड में जो चॉकलेट एक्स्ट्रा है उसको स्पून की हेल्प से उठाकर इस पे ही डालते जाएंगे और साइड से अच्छा सा शेप दे देंगे। इसको एक बार ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही इजीली ये बनके तैयार होगी और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। बिल्कुल मार्केट जैसी ये बबल चॉकलेट केक बनके रेडी होगा। इसको 1 घंटे के लिए हम फ्रीज़र में रख के सेट कर लेंगे अच्छे से। साइड से इस तरह से उठा के इसको शेप दे दीजिए ताकि चॉकलेट फैले ना। अब हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे। तो ये लीजिए, 1 घंटे के बाद हमारी ये खाने के लिए रेडी है बबल केक। कितनी ब्यूटीफुल दिख रही है ये। वाओ, ये देखिए बिल्कुल मार्केट जैसी ये बनके रेडी है। अब इसको हम आपको कट करके भी दिखाते हैं। ये देखिए ये देखिए, बहुत ही देखने में यम्मी दिख रही है। एक बार इसको ज़रूर बनाइएगा और अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी तरह की यूनिक रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बी हेल्दी, बी हैप्पी। थैंक यू।